लड़की वालों ने 2 लाख नहीं दिया तो लड़के ने शादी करने से किया इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। जिला गोंडा से दहेज लोभियों द्वारा जिंदगी लेने की तो खबरें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो खबर आप देखने जा रहे हैं उसमें जीते जी एक लड़की के अरमान तोड़ दिया गया और एक घर की इज्जत तार तार कर दी गई। निकाह के लिए मुकर्रर हुई तारीख के दिन ही लड़के वालों ने शादी करने से मना कर दिया और रिश्ता तोड़ दिया। यूपी के गोंडा से सामने आई इस खबर में लड़के वालों ने रिश्ता सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि उनको दहेज में कुछ और रुपए व एक मोटरसाइकिल चाहिए थी, जो लड़की का गरीब परिवार नहीं दे सका। फिर क्या लड़के ने फोन करके निकाह तोड़ने की बात कही और रिश्ता तोड़ दिया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र साहबगंज मारवाड़ कल कॉलेज के पीछे जाकिर अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी बेटी सनाया इदरीसी व राबिया इदरीसी का विवाह थाना करनैलगंज क्षेत्र के सकरौरा गांव निवासी रिजवान परियाज से तय हुआ था। आगामी 25 नवंबर 2019 को मंगनी भी हुई थी, जिसमें लड़के वाले की तरफ से 150 लोग आए थे, जिनके खाने पीने का भी इंतजाम लड़की के परिवार वालों ने किया था। 2 अगस्त 2021 के दिन निकाह की तारीख फिक्स हुई थी, आज ही के दिन बारात करनैलगंज से गोंडा आनी थी, लेकिन इन वक्त पर लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि 2 लाख हम लोगों को दीजिए, तब हम लोग शादी करेंगे। लड़के की मां अख्तर बानो ने लड़की वालों से पैसों की मांग की और न मिलने पर शादी करने से मना कर दिया। यह जानकारी मिलने पर कन्या पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और गम का माहौल छा गया। पीड़ित पिता जाकिर अली ने बताया कि पहले इन लोगों ने दान दहेज की बात नहीं की थी, लेकिन अब यह लोग दहेज की बात कह रहे हैं। उसके द्वारा असमर्थता जताने पर इन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के माँ बाप व एडवोकेट व समाज सेवी रुचि मोदी ने पीड़ित परिवार को लेकर आज अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और इंसाफ पाने के लिए आस लगाए बैठी है। अब देखना यह है कि क्या लड़की पक्ष वालों को न्याय मिल पाता है या नहीं, क्या उनकी शादी हो पाती है या नहीं। गोंडा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शहरुन्निसा। कहाँ रहती हैं आप? हम मारवाड़ इंटर कॉलेज के पीछे साहबगंज मोहल्ला साहबगंज। आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं, क्या है मामला आपका? मामला ये है कि हम दो बच्चे के दो लड़कियों की अपने ननद की शादी लगाए ना एक सखरोरा, और वहाँ से मतलब आज बारात आने वाली थी, उन लोग इनकार कर दी, अंगूठी मांगी, सोने चैन मांगी, गाड़ी मांगी, 2 लाख रुपया मांगी, इसलिए आज शादी के इनकार कर दिया, बारात नहीं लेकर आई, इसलिए हम लोग चार चार लड़की मार लेके धमकी दी कि तुमको मार डालेंगे, बाप के हाथ के से बीमारी है, इसलिए हम लोग परेशान हैं, आज बारात नहीं आई मेरे घर। कहाँ से बारात आनी थी? सखरौरा रोड। क्या नाम है जो लोग बारात लेने आने वाले थे यहाँ गोंडा? अख्तर बानो। अच्छा, और उनके लड़के का क्या नाम है? रिजवान। और जैके का बोला थे ये रिजवान, और क्या नाम है एक का? रियाज, एक के नाम है रिजवान। अच्छा, लड़के का रिजवान नाम है, छोटे वाले के रियाज नाम है। तो ये बारात लेके नहीं आए? नहीं, आज बारात के पैसे की मांग कर रहे थे आपसे? कितने पैसे की मांग किया? मांग किया कि मतलब सोने चैन दो, सोने का अंगूठी दो, 2 लाख रुपया दो। कौन कौन मांगा, नाम क्या? नाम क्या है उनके? अख्तर बानो। रियाज बानो। तो आप यहाँ पे आई हैं, क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मतलब जो नुकसान हुआ आपका, वो उसका भरपाई आपको मिले। आपको मारने की धमकी किसने दिया? मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी, मेरे पास चार चार लड़कियां हैं, हम कहां जाए, किस तरह किसे सुनाए। अब आप क्या चाह रही? क्या आपने मैरिज हॉल भी बुक किया था? मैरिज हॉल सब बुक। कितना पैसा लगा था मैरिज हॉल बुक करने में? मैरिज हॉल में जो कुछ मतलब। अच्छा, अब कार्ड वार्ड भी बढ़ गया था, हर जगह बढ़ गया, गुड़ बढ़ गया, सब कुछ हो गया, और आटा सामान सब। अच्छा, दिन तारीख में कितने लोग आए थे? 150 मनी, 100 मनी। अच्छा,